हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं राजकुमार यादव, स्वागत है मेरे YouTube चैनल यादव आर्ट हरदा में। और देख सकते हो दोस्तों, जो स्केचिंग हुआ है वो एक किसान का है और इसमें बनने वाला है कृषि संबंधित फोटो, जो ग्रामीण अंचल का है। भैंस को ले जाते हुए एक किसान, उसी का पेंटिंग बनने वाला है और बहुत ही सुंदर नेचुरल पेंटिंग बनने वाला है। तो दोस्तों, देख सकते हो किस तरह से जो आसमान का मिक्सिंग हो रहा है कलर से। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये पोस्टर कलर से बन रहा है पेंटिंग, और एवरी पेपर है उसमें पोस्टर कलर से बना रहे हैं। और देख सकते हो थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा अभी पेपर सिल्वर दिख रहा है उसमें, और वो सूखने के बाद में अच्छा हो जाएगा वो भी। और ये देख सकते हो लगभग आसमान पूरा हो गया है, और जो पेपर का जो सिलवट है वो सूखने के बाद में अच्छे से हो जाएगा, उसको लास्ट हम बताएंगे उसको पूरा होने के बाद में। और देख सकते हो दोस्तों, आसमान बनने के बाद में स्टेप बाय स्टेप अभी बना रहे हैं, उसके बाद में बनेगा मतलब पेड़ पौधा जंगल बनेगा ये। और आसमान को पहले किए हैं, उसके बाद में पेड़ पौधा को बनाएंगे। और देख सकते हो किस तरह से काम हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, और अभी बन रहा है हरियाली बहुत सुंदर। पेड़ पौधा का भी बनेगा, उसके बाद में फिर इधर आगे बढ़ेंगे। और इसमें अभी डार्क का कलर से कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद में फिर से सभी को उभारेंगे लाइट कलर से। और देखना कि किस तरह से इसमें मतलब बनाएंगे हम लोग घास वास को। और अभी ऐसे ही डार्क का कलर से कर रहे हैं, इसके बाद में बारीकी से उसको करेंगे। और ये पृष्ठभूमि बन रहा है अभी। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से अभी जमीन को बना रहे हैं, और अभी डार्क का कलर हो रहा है, इसमें भी लाइट कलर होगा। पहले डार्क से कर रहे हैं, पोस्टर कलर है। और ये भी अच्छा कलर है दोस्तों, एक बार आप भी जरूर बनाना। और देख लीजिए अभी पृष्ठभूमि, अभी और उसको बनाएंगे अभी बारीकी से। और अब हम बना रहे हैं अभी भैंस को, जो कि बहुत ही बारीक ब्रश से ही बनाना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका साइज भी A2 है, पेपर का साइज A2 है। और एक A2 साइज पेपर में देख सकते हैं दोस्तों कि कितने सारा चित्र जो है बन रहा है इसमें। इसी में तीन भैंस है, फिर एक आदमी है, और जंगल का है, फिर आसमान को दर्शाना है। तो बहुत ही छोटे छोटे ब्रश से काम करना पड़ रहा है, देख सकते हो, और बारीकी काम करना पड़ रहा है इसमें। और अच्छा लगता है बारीकी काम करना भी छोटे छोटे ब्रश से। ये देख सकते हो किस तरह से मतलब पहले कर रहे हैं,
इसमें पहले लाइट कलर कर रहे हैं, उसके बाद में डार्क का कलर करेंगे भैंस में। अब इसमें शेड लाइट कर रहे हैं, प्लेन करके छोड़े थे उसको, अब डार्क से उभार रहे हैं, शेड लाइट बना रहे हैं इसको। और एक पेंटिंग में सबसे खास महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों शेड और लाइट का, क्योंकि वही दर्शाता है कि ये क्या बना है करके। और बिना शेड लाइट का चित्र अच्छा लगता भी नहीं है। और एक चित्र का सबसे बहुत ही सुंदर जो लगता है वो है परछाई दोस्तों, जो एकदम रियलिटी को दर्शाता है। और ये देख सकते हो अभी परछाई को ही बना रहे हैं, और ये जब परछाई किसी भी चित्र में आप दोगे तो वो एकदम नेचुरल लगता है, एकदम मतलब रियल लगता है। तो अभी हम कर रहे हैं परछाई का, और जब फाइनल होगा तब देखना कि परछाई कितना सुंदर लगेगा, एकदम रियलिटी लगेगा दोस्तों। और देख सकते हो परछाई अभी बनाए हैं, अभी और बनाना है उसको, और फिर तीसरा वाले भैंस को बना रहे हैं। और देख सकते हो परछाई कितना सुंदर लग रहा है। और एक सीन में सीनरी जब बनाते हैं तो जो दूर का दृष्टि है ना, उसको दर्शाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप देख सकते हो वहाँ दूर पेड़ दिख रहा है, तो तभी और देख सकते हो दोस्तों वैसे ही इसको भी कर रहे हैं, पहले लाइट से किए थे, अब डार्क से उसको शेड लाइट कर रहे हैं। और जब शेड लाइट होगा तभी वो लगेगा नेचुरल। और देख सकते हो कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले दूर से बनाते बनाते पास को आना होता है दोस्तों, जैसे कि हम सबसे पहले बनाए आसमान को, बादल को, उसके बाद में बनाए हम लोग जो पेड़ पौधा है उसको, और फिर बना रहे हैं भैंस को, और सबसे लास्ट में बनाएंगे इस आदमी को। और ये देख सकते हो दोस्तों कि भैंस को अभी बना लिए हैं, उसमें अभी फाइनल टच करना है, और अब सबसे लास्ट में बना रहे हैं उस आदमी को, जो कि सबसे पीछे में यही है। और सबसे पहले वाले को पहले बनाते हुए आने से क्या है कि दोबारा टच करना नहीं पड़ता है दोस्तों। और देख लीजिए अब सबसे लास्ट में था आदमी, तो सबसे लास्ट में ही इसको बना रहे हैं, और देख सकते हो ये पोस्टर कलर से बना रहे हैं दोस्तों, और एवरी पेपर से, और कैसा लगेगा उसको बताना आप लोगों को। और आप भी बनाने का प्रयास करना अगर नहीं बनाए हो तो, और एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो मेरे को भी कुछ मार्गदर्शन देना, बताना। और अभी इसको सिंगल
कोड चला रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में इसमें पूरा शेड लाइट करते हुए फाइनल करेंगे। और अभी ऐसे ही एक बार चला दिए हैं कलर को, और देख सकते हो उसके जो कपड़े को भी वैसे ही कर रहे हैं। और उसके बाद में शेड लाइट करेंगे। और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा देना। और देख सकते हो दोस्तों अभी शेड लाइट को कर रहे हैं, और लगभग पेंटिंग पूरा ही होने वाला है। और जो फाइनल टच करेंगे अभी, और कहीं कहीं पर देख करके फाइनल टच करेंगे, फिर लगभग पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और देख सकते हो दोस्तों A2 पेपर में पोस्टर कलर से पेंटिंग। और देख लीजिए मेरा साइन है यादव। और इसके किनारे में टेप लगाने से बहुत ही फाइन बॉर्डर बनता है दोस्तों। और देख लो काम करने के बाद में इसको निकाल दो, फिर एकदम से फाइन होता है बॉर्डर इसका। और देखो बहुत ही सुंदर लगता है। और मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो गया। और देख लीजिए टेप आप भी ऐसे लगा लेना। और देख सकते हो दोस्तों जो फर्स्ट में जो वेलवेट हो रहा था वो पूरा क्लियर हो गया है सूखने के बाद में। और देख लीजिए पीछे भी मतलब क्लियर है, और अपना जो पेंटिंग है वो तैयार हो गया। ये देख लीजिए A2 साइज में बना है पेंटिंग। और कैसा लगा?